अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सभी लोगों से अदबन गुजारिश है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया पर ये फेक वेबसाइट जो भी आ रही, जैसा कि आज ही मेरे दोस्त के साथ मोहम्मद सलमान जिसका नाम है, उन्होंने जैसे एक ऐसी एक नॉर्मल वेबसाइट थी कि बच्ची उनके टच में थी, खैर वो बम्बई की बच्ची थी, और रही दूसरी बात, उन्होंने उसके टच में थे वीडियो कॉल पे, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ कामा होने की वजह से इनकी वीडियो वायरल हो गई। वायरल होने की वजह से हमारा मोहम्मद सलमान जो मेरा दोस्त है, वो जो है सो अपने आप क्यों बोले तो बॉम्बे से उसको टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर उसको अगर पैसे अगर नहीं देंगे तो टॉर्चरा कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, 8,000 दियो, 10,000 दियो, 20,000 दियो। बल्कि हुई गलती मानते, मगर इस बात का ये मतलब नहीं कि भाई कोई गलती करने पर उसकी सज़ा इतनी भयानक मिले। बात रही पैसों की, पैसों का क्या है, आज नहीं कल वो कर लेंगे, मगर किसी को बदनाम करने से किसी का हौसला बुलंद नहीं होता। और रही दूसरी बात जो है सो, दूसरी बात ये जो 20,000 दियो, 10,000 दियो, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, मैं आप सभी लोगों से एक बात बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आने वाली कोई भी सेक्स वीडियो या सेक्स वेबसाइट को क्लिक मत कीजिए। और एविडेंस के हिसाब से मैं शार्प न्यूज़ तक आप सभी लोगों से ये न्यूज़ पहुंचा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन पे आने वाले वेबसाइट को क्लिक मत कीजिए। और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रही, अगर हो गई आपसे गलती, तो PS को आइए और अपना कंप्लेंट दीजिए, और घबराओ मत, और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को अटेंशन कर दो कि ये चीज़ के सोशल मीडिया पे आने वाली जो भी सेक्स पिक्चर्स है, वीडियोस है, ऐसा रहा तो ऐसा कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा सोशल मीडिया पे आने वाली, इंस्टाग्राम पे कौन सी भी लड़की या कोई फेक आईडी से आपको अगर मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम की बात रही, आपको अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपको धमकी दी जा रही है, तो PS को जाइए, अपना कंप्लेंट दीजिए, पुलिस उसकी कार्रवाई करेगी। और शार्प न्यूज़ तक मैं आप सभी लोगों को ये न्यूज़ पहुंचाने की यही वजह है कि